Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. साहब, ट्रंप जीत गए हैं तो यूएस में लोगों का मेल्टडाउन हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, वहां तक तो ठीक है। हमारे भारत में क्यों लोग रो रहे हैं? खास तौर से सुना है कि कुछ एक तबका ऐसा है जो चूड़ियां उड़ियां भी तोड़ रहा है अपनी, ऐसी क्या बात? अलग अलग कारण है साहब, रोने के अलग अलग कारण हैं। जैसे एक बार टॉलस्टॉय ने एक बात कही थी कि दुनिया के सारी सुखी परिवार एक तरह से सुखी हैं, पर दुनिया के सारे दुखी परिवार अपनी अपनी तरह से दुखी हैं। उसी को आप इस तरह समझ लीजिए कि सबका दुख अलग अलग है। तो साहब, वो आरफा खानम शेरवानी का दुख ये है कि वो ट्रंप मुस्लिम देशों से माइग्रेशन बंद कर देगा, और वो इस्लामिक टेररिज्म की बात करता है। ये तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया, आरफा खानम अपने आप को इस्लामी कहती हैं और दारुल हर्ब में जाना चाहती हैं, जबकि कुरान में इसको कुफर कहा हुआ है। तो वही है सब, मतलब देखा ना कि सब अलग अलग तरह से दुखी हैं। आरफा दुखी है कि वो इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहा है, राहुल गांधी दुखी है कि साहब ट्रंप कह रहा है कि मोदी इज अमेजिंग, इंडिया इज अमेजिंग, वो मोदी की तारीफ कर रहा है और मोदी को अपना दोस्त बता रहा है। तो हाँ, देखिए ना, ममता दुखी है कि ट्रंप कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है होने नहीं देंगे। तो मैंने कहा ना कि जैसे टॉलस्टॉय कहता था कि दुखी लोग अपने अपने यूनिक तरीके से दुखी होते हैं और सुखी सब एक तरह से सुखी होते हैं। तो इसके चलते इन सबके अलग अलग दुख हैं, अलग अलग कारण हैं, लेकिन दुखी सब है। और दुखी ही नहीं है साहब, इतना दुखी है मतलब ऐसा जैसे लग रहा है कि ट्विटर फोड़ के आंसू निकलने लग रहे हैं उनके, इतना इतना परेशान है। समझी में नहीं आ रहा है साहब, इतना तो मुझे कभी कभी लगता है कमला हैरिस नहीं दुखी होगी जितने हमारे यहाँ के लिबरल दुखी नजर आ रहे हैं साहब। हाँ, वो तो देखिए, जो चार टॉप लोग बताए गए थे जिनके फॉर्च्यून्स रिवर्स हो गए हैं, तो तीन तो, एक तो हमारे बांग्लादेश वाले यूनुस साहब थे, दूसरे येलेंस्की थे, तीसरे हमारे टर्डो साहब थे, और चौथे राहुल गांधी थे, जो कल जो चल रहा था उसमें। राहुल गांधी जो है वो परम तत्व की तो पता नहीं, लेकिन परम दुख को अवश्य प्राप्त हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, और उसी दुख में उन्होंने आज कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां बांटी, तो उनमें ब्लैंक बांट दी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी से। इतना जिसको हमारे यहाँ जोधपुर में मेवाड़ में एक शब्द आता है झापा चूक, जो एक स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन, अटर बिविल्डरमेंट जिसको बोलते हैं, उसका बड़ा सुंदर सा शब्द है ढापा चूक। तो वो ढापा चूक हो गए, ढापा चूक नहीं हो गए। देखिए मैं बता रहा हूं, उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने नोटबुक बांटी थी, साथ में कलम भी बांटा था, उन्होंने नोटबुक बांटी, कलम बांटा, लेकिन उसके ऊपर लिख दिया भारत का संविधान। तो ये कुल मिलाकर एकदम वो आप समझ लीजिए कि वो एक अपने आप में राहुल गांधी बन के रह गया, जहां ऊपर संविधान लिखा, नीचे अंदर कोरा कागज, कुछ भी नहीं लिखा। तो एकदम वो राहुल गांधी ने आप समझ लीजिए कि अपना प्रतिरूप बांट दिया, जहां फ्रंट पेज मतलब जहां कवर तो बड़ा अट्रैक्टिव है और अंदर कुछ भी ना हो। राहुल गांधी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि साहब मतलब क्या दिन आ गए हैं कि आप, मैं भी राहुल गांधी को देख रहा हूं, एक आर्टिकल राजदीप सरदेसाई उसको प्रमोट कर रहे हैं, एडमंड बर्क का आर्टिकल, बंदे एडमंड बर्क ने उसने हिंदुस्तान पे एक निबंध लिखा था, 19वीं सदी का वो एक लेख उठा के तुमने उसका पूरा का पूरा प्लेजराइज करके दो चार लफ्ज आगे पीछे करके अपने नाम से, शर्म भी नहीं आती साहब, शर्म भी नहीं आती। उनको क्या पता होगा? नहीं, अच्छा लोगों ने तुरंत पकड़ भी लिया, चलिए वो भी कोई बात, अच्छा एडमंड बर्क माना हुआ फिलोसफर है साहब, चलिए पकड़ भी लिया कोई बात नहीं। उसके बाद अब उसको छुपाने के लिए और ट्वीट कर रहे हैं कि मेरे लेख से लोगों की धज्जियां उड़ गई हैं, रात की नींदें उड़ गई, पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग। और सबसे बड़ी बात, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग उसको, और चूंकि राजदीप सरदेसाई ने उसको प्रमोट किया था, अब राजदीप सरदेसाई को लोग कॉल आउट कर रहे हैं
कि तुमने एक प्लेजराइज्ड आइटम को, एक चोरी किए हुए आइटम को तुमने प्रमोट किया, तो उसका जवाब न राजदीप सरदेसाई दे रहे हैं और न राहुल गांधी। खैर जवाब है भी नहीं, उसका जवाब दिया क्या जाए। उसी तरह अब उन्होंने आज एक ये डायरिया मार दी जिसके ऊपर भारत का संविधान लिखा हुआ था और अंदर कोरा कागज कुछ भी नहीं। तो वैसे भी इसको आप देखें तो बड़ा प्रतीकात्मक है, कांग्रेस के लिए संविधान कोरा कागज ही है जिसपे वो जब चाहती जो मिटा देती है और जो चाहती जो लिख लेती है, जब चाहती उसमें सेकुलर जोड़ देती है, जब चाहती है सोशलिस्ट जोड़ देती है, जब चाहती है इमरजेंसी जोड़ देती है, जब चाहती है संविधान सस्पेंड कर देती है, जब चाहती है संविधान रिवाइव कर देती है, जब चाहती है फंडामेंटल राइट हटा देती है। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख रहा था कर, ये जो प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके 1978 में साहब इन्होंने 1978 में 44वें संशोधन के साथ किया था, हटाया था इन्होंने। तो मतलब आपने तो हमारा ना फंडामेंटल राइट छोड़ा, ना आपने हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छोड़ा, आपने हमारे संविधान की प्रस्तावना तक बदल दी। तो इनके लिए संविधान कोरा कागज ही है जैसा समझिए, जिसपे ये जब चाहते हैं चार पुश्तों से जब जो चाहते हैं लिख लेते हैं। वो बड़ा प्रतीकात्मक मेरे ख्याल से मूव था। और तो और अब जो है वो जिसको सोशलिस्ट को लेके जिसकी बात थी, तो एक प्रकार से जो जजमेंट है उसने वो सोशलिस्ट शर्म को तो, सब शब्द को तो निरर्थक कर दिया। अब सोशलिस्ट जो है कि 39B में आप प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही आप अनरिस्ट्रिक्टेड अक्वायर नहीं कर सकते, तो फिर सोशलिज्म का मतलब क्या है? नहीं, एक चीज हमने और बड़ी इंटरेस्टिंग इस जजमेंट में देखी संजय सर, और मैं समझता हूँ कि शायद जितने प्लेटफॉर्म्स पे मैं बैठता हूँ और जितने चैनल्स में मैं जाता हूं, मुझे लगता है सबसे उपयुक्त आदमी आप ही हैं इस मामले को उठाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही अपने जजमेंट में, संविधान नहीं बदला है, संविधान वही है, पर वो कहते हैं कि उस समय जो भारत सरकार का कैरेक्टर था वो सोशलिस्ट था, इसलिए ऑर्डर वो था। अब भारत सरकार का कैरेक्टर पूंजीवादी, इसलिए ऑर्डर ये है। तो आप सोचिए उसी संविधान की दो इंटरप्रिटेशन है। तो उसी संविधान के दो इंटरप्रिटेशन एज पर दी फाइनेंशियल ओरिएंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं उससे सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की जो स्पीच थी उसको कोट किया है, और उसको कोट के कहा है कि करके कहा है कि भाई स्टेट की इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इकोनॉमिक आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, वो जो स्टेट जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए वो उस तरह से होता है, वो उस संदर्भ में कहा है। हालांकि हालांकि जो नागरत्ना ने कहा है वो ये कहा है कि भाई जो उस समय के जज ने जो जजमेंट दिया था वो उस समय के हिसाब से दिया था, आपको उसे देखना चाहिए, आप उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बात तो वही हुई ना कि उस समय के जज ने उस समय के हिसाब से दिया था और इस समय के जज ने इस समय के हिसाब, यही तो मैं कह रहा हूँ सर, और क्या कह रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा ये ट्रंप का जो रिएक्शन आ रहा है और ट्रंप का इम्प्लीकेशन भाई लोगों के लिए क्या होगा, विशेषकर हमारा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसका क्या होगा, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। और आप जरा बताएं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत स्ट्रांग जा रहा था उससे तो पूरी तरह से एक प्रकार से तो झटका दे ही दिया था मोदी को, बस बच गए बाल बाल, अब क्या होगा? देखिए, एक बहुत ढेर सारे अंतर आने वाले आपको नजर आ रहे हैं। जैसे अभी इनको बहुत लोग नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं कनाडा से लेके, कनाडा से ऐसा हो गया, कनाडा से वैसा हो गया। हकीकत ये है कि बाइडेन सरकार ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जस्टिन ट्रूडो को आधी अधूरी जानकारी देके चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, और जब उनसे सबूत मांगे गए तो उनके पास कुछ निकले नहीं। अब जब से ये लौट के आए हैं ट्रंप साहब, तो आपको लगता है जस्टिन ट्रूडो को नींद आ रही होगी। मैं आपके दर्शकों को बता दूं संजय सर कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो किताब लिखी है सेव अमेरिका, उसमें उन्होंने दावा किया है कि जस्टिन ट्रूडो फिदेल कास्त्रो की अवैध औलाद हैं। उन्होंने कहा है कि सुनिए तो, और उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो की माता बच्चलन थी, ये फिदेल कास्त्रो की अवैध संतान है, और इसमें सबूत भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सबूत ये दिया है कि जस्टिन ट्रूडो के जो बाप थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सर में बाल नहीं थे, और जस्टिन ट्रूडो के बाल हैं, और उसके बाल एकदम फिदेल कास्त्रो से मिलते हैं।
तो भाई पियर ट्रूडो के बाल शुरू होते रहे होगा, चलिए वो ट्रंप का लॉजिक है। मतलब आप देखें, और इतना ही नहीं, इसको इसको पागल, इसको क्या क्या कह के रखा है उन्होंने। तो मेरा तो मानना है कि जहां जहां पे ये नरेंद्र मोदी को, जहां जहां से भारत सरकार को दिक्कत आ रही थी, वो सब जगह आपको अब जैसे एक ये दिक्कत मानी जा रही थी कि साहब रूस और चीन में बड़ी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, तो वो भी आप एक देखिए साहब, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये ट्रंप ने इस फोटो का सहारा लिया है, फिदेल कास्त्रो और जस्टिन ट्रूडो। मतलब ये वो चीजें हैं जो अनरिपोर्टेड रह जा रही हैं, ये वो चीजें हैं जिन पे चर्चा नहीं हो रहा है। तो दूसरे, अमेरिका में राहुल गांधी के जो परम मित्र थे डोनाल्ड लू, उनका साहब ऑफिस बंद हो गया। डोनाल्ड लू जो राहुल गांधी को व्हाइट हाउस ले जाते थे, डोनाल्ड लू जो जाके बांग्लादेश में यूनुस को प्रधानमंत्री बना देते थे, शेख हसीना की सरकार गिरा देते थे, डोनाल्ड लू जो भारत में चुनाव होते थे तो कश्मीर से लेके तमिलनाडु से लेके स्टालिन तक से मिलने घूमने लगते थे, एकदम पूरे भारत में चक्रगिन्नी जैसे घूमने लगते थे। अमेरिकी विदेश विभाग का एक डिप्टी मिनिस्टर हमारे चुनाव के दौरान क्यों टहलता रहता है हमारे देश में भाई, क्यों टहलता रहता है? वो जाके वहां पे खालदा जिया से मिलते हैं, वो वहां जाके जमात इस्लामी से मिलते हैं, वो वहां अपनी नई सरकार बनाते हैं, फिर जो बाइडेन मोहम्मद यूनुस का माथा चूमते हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनको अपनी औलाद बता। तो आप देखे ना, ये सारी दिक्कतें हमको जहां जहां से आ रही थी, इन्होंने ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे पड़ोस में एक अफगानिस्तान बना दिया था। तो अब ठीक है, अफगानिस्तान बन गया, वो अब हटने वाला नहीं है। देखिए आप समझिए, ये बोतल से जिन्न निकालना आसान है, और वो भी इस्लामी जिन्न को तो वापस डालना असंभव हो जाता है। 1979 में निकला था ईरान में, आज तक एकदम देखिए फताया हुआ घूम रहा है, वो वापस जाने को तैयार नहीं है। तो एक इस्लामिक क्रांति आपने यहां भी कर दी, आपने एक अफगानिस्तान बना दिया, लेकिन कम से कम अब मोहम्मद यूनुस अनाथ हो गए, बांग्लादेशी फौज जमात इस्लामी अनाथ हो गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से इनको वो पुष्पनाही वो सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। जस्टिन ट्रूडो अनाथ हो गए, ये जो कॉमेडियन है ज़ेलेंस्की, ये अनाथ हो गया, जिसके लिए कहते ट्रंप कहते थे यार कमाल का सेल्समैन है और कमाल का भिखारी है, जब आता है $2 बिलियन लेके चला जाता है। तो मतलब आप सोचिए, ये भी अनाथ हो गए, सब सबका बुरा हाल हो गया। और एक जो हमारे लिए माना जा रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जिस तरह इन लोगों ने व्लादिमीर पुतिन को इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया था कि रशिया और चाइना की नजदीकियां बढ़ती चली जा रही थी, माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पुतिन को अब चाइना के ऊपर से उनकी डिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो यूरोप हमको जो हर थोड़े थोड़े दिन में मॉरल लेक्चरिंग देता रहता, यूरोप का भी कमाल है, एकदम ही कमाल है। सिक्योरिटी उन्होंने अपनी अमेरिका पे छोड़ दी है, एनर्जी गैस अपनी उन्होंने रशिया पे छोड़ दी है कि तुम हमको दोगे, चाहे तुम पे जितने प्रतिबंध, तो गैस लेंगे रशिया से, सिक्योरिटी लेंगे अमेरिका से, और ये इसका क्या नाम है, सस्ता प्रोडक्ट लेंगे चाइना से, और उसके बाद हमको ज्ञान देंगे। तो कम से कम ये सब अब बंद हुआ। ये जो मॉरलाइजिंग हो रही थी ना, ये जो हम लोग को मॉरल साइंस पढ़ाई जा रही थी, कभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमारे फार्मर एजुकेशन होता था तो साहब उसमें जस्टिन ट्रूडो से लेके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सब लोग कूद पड़ते थे। हम अगर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते थे तो यूनाइटेड नेशंस तक से आवाज आ जाती थी, वहां से फ्रांस और जर्मनी से आवाज आ। अब ये सब नाटक बंद होगा साहब। ये जो मॉरलाइजिंग हो रही थी, जो हमको जो मैंने कहा ना मॉरल साइंस पढ़ाई जा रही थी पूरे यूरोप से, ये सब ड्रामा खत्म होगा। और जाहिर सी बात है, ये आप मान के चले कि मोदी सरकार के ऊपर से ये बहुत बड़ा प्रेशर हटा है, और अगर मोदी सरकार के ऊपर से प्रेशर हटा है तो फिर आप जान के मानिए कि विपक्ष के ऊपर आ गया है। वो प्रेशर कहीं तो जाना ही है, अगर मोदी के ऊपर से हटा है तो विपक्ष के ऊपर आ गया है। विपक्ष के ऊपर आ गया है, लेकिन हमारे जो लोग प्लान कर रहे थे अगले फार्मर एजुकेशन की, तो उसका क्या होगा? ये भी बहुत कमाल की बात है ना, क्योंकि देखिए इस बार जो ट्रंप जीता है, ट्रंप केवल प्रेसिडेंसी नहीं जीता है, प्रेसिडेंसी जीता है, पॉपुलर वोट जीता है, अपर हाउस जीता है, लोअर हाउस जीता है, और सातों स्विंग स्टेट जीता है।
ये अभूतपूर्व जीत है और इसका कारण सिर्फ एक है कि ये अमेरिकी जनता का वोकिज्म के खिलाफ रिवोल्ट था। अमेरिकी जनता वोकिज्म से एकदम परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, उनका रिवोल्ट था। और आप मान के चले कि ये जो पूरा वोकिज्म चल रहा था वो दो तीन फाउंडेशन से चल रहा था, सोरोस फाउंडेशन से चल रहा था, फोर्ड फाउंडेशन से चल रहा था, क्लिंटन फाउंडेशन से चल रहा था, ओबामा से चल रहा था, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। तो आप देखिए, आप कुछ भी कहें, हकीकत ये कि आज की तारीख में एक यूनिपोलर वर्ल्ड है। जिन लोगों को लगता है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, वो अपनी जियो पॉलिटिक्स की जानकारी दुरुस्त करें। आज भी उनके उनके बराबर कोई शक्ति और साधन संपन्न देश नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा, जब उसका भाई, वो जो बाइडेन की बात पे नहीं करता, पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा जब उनका लीडर होता है, तो आप मान के चले कि सोरस से लेके, फोर्ड से लेके, क्लिंटन से लेके, ओबामा से लेके, सबकी समय बत्ती बंद है, सब अपनी अपनी शान बचा रहे हैं। तो इन लोग की जो फंडिंग आती है, इनकी जो फंडिंग आती है, वो कहीं ना कहीं सबको एक झटका लगने वाला है। और जो पेचक आ रहा था सबका, राकेश टिकैत से लेके योगेंद्र यादव तक का, सब में कोई ना कोई आपको एक, जिसे कहना चाहिए, डिसरप्शन नजर आएगा।